कुछ बच्चे जब जवान होते हैं तो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, उन्हें अपने शहर में बने वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे ही बेसहारा बुजुर्गों की देखरेख के लिए नोएडा के दो स्टूडेंट्स ने मिलकर ए टू जेड फाउंडेशन चलाया है। इसमें घर की तरह पूरी सुख सुविधाएं दी जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। आज के दौर में ज्यादातर लोग छोटी फैमिली के कल्चर को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपने माता पिता को घर में रखने के बजाय वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, जहां उन्हें परिवार जैसा माहौल नहीं मिल पाता है। आज की पीढ़ी अपने संस्कारों से दूर होती जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि बूढ़े माँ बाप हमारे लिए बोझ बन गए हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों की खुशी के लिए वृद्धाश्रम चले जाते हैं। इन असहाय लोगों की देखरेख के लिए ग्रेटर नोएडा से सटे सेक्टर 148 नलगढ़ा गांव में दो छात्र ए टू जेड फाउंडेशन नाम से ओल्ड एज होम चला रहे हैं, जो बुजुर्ग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और असहाय होते हैं, उनकी मदद ए टू जेड फाउंडेशन कर रहा है। और वर्तमान में हमारे यहाँ अभी 22 बुजुर्ग हैं, जो अधिकतर उनमें मानसिक विक्षिप्त हैं। हम लोग उनको रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन, ऐसी अनजान जगहों से उठाकर लाते हैं और उनकी सेवा देखभाल पिछले 2 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। इन बुजुर्गों की जरूरत का खर्च उठाने के लिए ये छात्र शहर में जाकर कुछ बच्चों का ट्यूशन पढ़ाते हैं। फीस से होने वाली इनकम से ये लोग वृद्धों को तमाम सुविधाएं जुटा रहे हैं। फिलहाल फाउंडेशन 19 बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। ए टू जेड फाउंडेशन मकान किराए पर लेकर यहाँ पर बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। जिन बुजुर्गों को ये अपने आश्रम में लाते हैं, उन बुजुर्गों की जानकारी पुलिस थानों में दी जाती है, ताकि बुजुर्गों के परिजनों की पहचान हो सके और उनको उनके परिवार से भी मिलवाया जा सके। ए टू जेड फाउंडेशन का काम देखकर यमुना अथॉरिटी के CEO अरुणवीर सिंह ने भी इनको सहायता देने का आश्वासन दिया है, साथ ही वृद्ध आश्रम बनाकर देने का भी भरोसा दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा असहाय लोगों की मदद की जा सके। कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।